नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अपने अंदर उस छुपे हुए खजाने को कैसे पहचाने। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम कैसे प्रयोग करें भी जो भी हमें वो चाहिए मिल जाए वो, और हम अमीर बन जाएं। अमीर ज़रूरी नहीं, हर अमीर उस अवस्था को कहते हैं जिसको आप एक ज़्यादा मात्रा में आप पा लेते हैं। वो चाहे तन का अमीर हो, चाहे वो धन का अमीर हो, चाहे वो मन का अमीर हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे अमीर हो, चाहे वो बहुत सी गाड़ियां हो उसका मालिक हो अमीर हो, या बहुत से मकान हो उसके लिए अमीर हो। तो हर व्यक्ति के लिए अमीर की अलग अलग संज्ञाएं हैं, वो अलग अलग चीज़ को आँकते हैं। तो आप भी इनमें से किसी भी तरह की जो भी आपकी इच्छा है उसका अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं। जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, आज जब ये वीडियो देखकर ख़त्म होगी तो आप वो जान पाएंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं और किस तरह का अमीर बनना है। ये सभी का अपना अपना अलग अलग देखने का, सोचने का विचार अलग अलग होते हैं, तो सारी इच्छाएँ इसमें पूर्ति हो जाएंगी आपकी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। मन की आँखें आपको खोल कर देखना होगा, तभी ये सबकॉन्शियस में आपको ये सारा खजाना दिखेगा। सारा खजाना आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है, बस आपको एक आँख चाहिए देखने के लिए। और जिस दिन वो आँख आपको, जिस दिन आपको ये देखना आ गया, आप पाएंगे आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी जो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो चारों ओर से कोई भी चीज़ आपको दिख रही है वो सारी ही चीज़ें आप आकर्षित कर पाओगे। आप एक चुंबकीय व्यक्ति बन जाओगे, अब चुंबकीय गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आप किसी भी चीज़ को खींच लोगे। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक चुंबकीय और एक बिना चुंबकीय गुण के। तो दो पहले वाले लोग जो होते हैं उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो आकर्षित कर लेते हैं पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर वह वस्तु उनके पास अपने आप खींची चली जाती है। और दूसरे टाइप के जो होते हैं वह इंसान डरे हुए होते हैं और सफल नहीं होते। वो कहते हैं कहीं ये ना हो हम ये कार्य करें, और डर के कारण वो उनका क्या होता है कि वो फेल ना हो जाएं, और कहीं ये बिजनेस करेंगे तो हमारा पैसा ना डूब जाए, कहीं ये कार्य करेंगे तो हमें हानि ना हो जाए। तो इस तरह के अलग अलग उनके अंदर डर पैदा होते हैं और वह उसी जगह पे रह जाते हैं जहाँ पे आम लोगों का ज़्यादातर भाग है, और वह ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो इतिहास रचा है वो उन लोगों ने ही रचा है जिनमें अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को जान लिया था, उन्होंने ही इतिहास को रचा है। और वही चुंबकीय व्यक्ति हैं जो आज किताबों में या वो इतिहास में उनके नाम गूंज रहे हैं। अगर आपने इस शक्ति को खोज लिया तो आप जो चाहेंगे वह आप प्राप्त कर लेंगे, जैसे दौलत हो, कोई सर सामान हो, कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वाइफ हो, बच्चे हो, अच्छी लाइफ हो, आध्यात्मिक लाइफ हो, किसी तरह का भी जो भी आप चाहते हो उस तरह की आप परिस्थितियों को ला सकते हो। और ये कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इसको ये तो आपके पास ही है, बस इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसे एक्टिव जब आपने कर लिया तो आपके जो भी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। जब आपको अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है तो आप न्यू क्रिएशन, अलग अलग तरह की क्रिएशन करते हो, नई नई चीज़ों की आप रिसर्च कर लेते हो, खोजें कर लेते हो। जो आपका ज्ञान आपके भीतर से उत्पन्न होता है और उसके लिए आपका ब्रेन ही आपको आगे के रास्ते भी दिखाता है। जैसे
आपको जो चाहिए होता है, अगर आपको अपना हम सफ़र चाहिए, अपना बिजनेस पार्टनर चाहिए या पैसे की आज़ादी चाहिए, तो इस तरह की ये अवचेतन मन शक्तियों से भरा पड़ा है और आप जो भी इसको चाहते हैं वो फलीभूत होना शुरू हो जाता है। और ये अवचेतन मन आपको दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है और फिर इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जिन्होंने भी इस अवचेतन मन को जाना है, जो अपाहिज थे मैंने देखा वो ठीक हो गए हैं, और जो खुशी उनको कभी नहीं मिली, दुखी थे वो खुश हो गए, जिनकी सेहत ठीक नहीं थी उनकी सेहत ठीक हो गई, और जिनके सपने थे वो हकीकत में बदल गए हैं। हमारे दो तरह के मन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन जिसे हम कह देते हैं, एक राइट ब्रेन कह देते हैं, जिसे हम स्त्री और एक पुरुष ब्रेन भी कह देते हैं, एक चेतन ब्रेन कह देते हैं, एक अवचेतन मन भी कह देते हैं, एक जागृत ब्रेन भी कह देते हैं, एक सुषुप्त ब्रेन भी कह देते हैं, एक स्वेच्छित ब्रेन भी कह देते हैं, एक अवेचित मन भी कह देते हैं। तो इस तरह अलग अलग हम इनको जो नाम है वो देते हैं, नाम से जानते हैं। तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो चेतन मन है और अवचेतन मन है वो कैसे काम करता है। चेतन मन जो होता है वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, आप जो भी पूरे दिन में बोलते हो, सुनते हो, और जो भी आपके विचार आज उत्पन्न होते हैं वह सारे चेतन होते हैं। और इसको आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि आपके पास एक ग्राउंड है, मिट्टी है, जिसमें आपने कुछ खेती करनी है, तो आप जो विचार बोलेंगे, सोचेंगे, वो विचार उस जगह पे अपने आप लग जाएंगे और आप पाएंगे धीरे धीरे वो उस ग्राउंड में, उस जो मैदान था उसमें वो अपने आप ही पोषित होकर पौधे बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह आपके जो भी विचार आप सोचते हो चेतन मन से, वो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि वो आपके लिए विचार अच्छे थे या बुरे थे। वो उसे उगाना शुरू कर देता है, उस पौधे को उगाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो पौधे बाहर आ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ें, ऐसी बातें ना बोलें, ना सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो ना करें। जो नहीं चाहिए उसे मत सोचें, कुछ और जो चाहिए वो सोचें, ताकि वो ही हो। आप अच्छे विचारों के साथ सोच अपनी बनाएं और कोई भी नेगेटिव वाक्य ना बोलें, नेगेटिव स्टेटमेंट ना दें, हमेशा पॉजिटिव रखें। क्योंकि जैसे हम कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये काम करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, तो वो आपने एक तरह से ज़मीन में बो दिया और वो फलीभूत होगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब चेतन मन को पता लग गया, इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, और उसने जो कहना है वही बोया जाएगा। इसलिए चेतन मन से पॉजिटिव चीज़ें ही बोलें और वही सोचें और वही फलीभूत फिर होगी। तो एक उदाहरण के साथ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक कैप्टन होता है जहाज का, तो वो जब नदी में या समंदर में जब वो शिप चल रहा होता है, तो उस के अंदर जितने भी जो उस जहाज को चला रहे होते हैं वो सिर्फ एक ही बंदे का ऑर्डर मानते हैं, और वो है कैप्टन का, कप्तान का। कप्तान अपनी कंपास के साथ चेक करके बताता है अब नाव इधर की तरफ लेके जानी है, शिप इधर की तरफ लेके जाना है, तो सारे उधर की तरफ अपने आप लेके जाते हैं और वो कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता होता है कैप्टन जो भी कहेगा वो सही कहेगा और वही हमें मानना है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते उसको। तो इसी तरह जो कैप्टन है वो हमारा है चेतन मन, जो चेतन मन कह देता है, और वो जो वर्कर हैं, जो बाकी एम्प्लॉई हैं अंतर जहाज के काम करने, वो सारे अवचेतन मन हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें चेतन मन कह देता है। मींस जो कैप्टन कहता है वही वर्कर करते हैं, जो शिप को चलाते हैं और जिधर उधर लेके जाना है, लेफ्ट राइट या कुछ भी काम करना है, तो वो कैप्टन की बात मानते हैं, कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड भी कोई आर्गूमेंट पास नहीं करता, वो जो भी कैप्टन ने मींस चेतन ने
मन ने कह दिया या सोच लिया और वो उसको करने में लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज़ का, आप जो कहते हो जो सोचते हो वही होगा, तो आपने सही सोचना और सही कहना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो आज मैंने आपको बताई है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, एक स्टोरी है जो रियल लाइफ स्टोरी है वो आपको सुना रहा हूँ। एक रशिया में एक लेडी थी जिसकी उम्र 75 साल थी, तो वो बहुत ही, उसके जो बच्चे थे वो सारे अलग अलग देशों में चले गए थे और वो अकेली रह गई थी। वो उदास हो गई थी अपनी लाइफ से और उसने सोचा कि अब मेरे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बार उसने अवचेतन मन के ऊपर एक किताब पढ़ ली सबकॉन्शियस माइंड पे, जिसमें उसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। उसने महसूस करना शुरू किया कि उसकी शादी हो गई है और उसका जो पति है वो एक आध्यात्मिक है और बहुत दयालु है और बहुत प्रेम करता है सभी से, और मैं उससे शादी करके बहुत सुखी हूँ। तो ये उसने बार बार रोज़ सोचना शुरू किया और जब सोचते सोचते विजुलाइज किया उसने ये, तो उसने पाया एक हफ्ते बाद ही उसकी एक सामने नुक्कड़ पे दुकान पे एक केमिस्ट था जो रिटायर पर्सन था, उससे मुलाकात हुई और उसने कुछ दिनों बाद ही, दो हफ्ते बाद ही उसे शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसने उससे शादी कर ली। और अब वो, उसका पति जो इससे शादी हुई वो बहुत आध्यात्मिक था, धार्मिक था और उससे प्रेम भी बहुत करने लगा और वो खुशी खुशी आपस में रहने लगे। तो उस लेडीज ने, उस 75 साल की लेडी ने ऐसा सोचा और फलीभूत हो गया। तो आप सोचिए, आप भी उस अगर शक्ति को यूज़ करते हैं तो आप भी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। हर खजाना आपके भीतर है, बस आपको उसे प्रयोग करना आना चाहिए। जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने खोजें की हैं, किसी ने टेलीफोन की खोज की है, किसी ने बल्ब की खोज की है और किसी ने जहाज़ की खोज की है। जो आज हम हवा में उड़कर कुछ ही समय में एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जो हम लाइटें देखते हैं, आज उसने कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सफल हुआ। और जो टेलीफोन है उसने भी कई एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक अपने अंदर अवचेतन मन को एक मैसेज दे दिया था कि हमने इस चीज़ को खोजना है, ढूंढना है। तो उनके अंदर से ही अवचेतन मन ने उस रिसर्च को बाहर निकाल कर रख दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक आर्किटेक्ट होता है, जब वो किसी घर का नक्शा बनाता है तो वो पहले उसको कागज़ पे बनाता है और फिर उसे कंप्यूटराइज कर देता है 3D में बना के। पहले 2D बनाता है, फिर 3D बनाता है और फिर जो भी उसका क्लाइंट होता है उसको दिखाता है कि आपके यहाँ पे रसोई बनेगी, यहाँ पे आपका OTF है, यहाँ पे आपकी स्टेयर जाएंगी, इतने आपके रूम निकलेंगे, यहाँ पे आपके टॉयलेट होंगे, यहाँ पे आपका पूजा घर होगा। वो सारा उसमें ड्राइंग में उसको दिखाता है। वो क्या करता है, अपने अवचेतन मन से एक पिक्चर ड्रॉ करता है और उसके अवचेतन मन में, अपने क्लाइंट के अवचेतन मन में डाल देता है और दोनों के मन में वो अवचेतन मन काम करने लग जाता है। उसने, आर्किटेक्ट ने उसको बनाना है और जो क्लाइंट होता है उसके मन में होता है ऐसा बनेगा, दोनों के मन में सेम अवचेतन मन काम करने लग जाता है। और आप देखते हैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो बिल्डिंग एज इट इज़ बन के तैयार होती है, जैसे उन्होंने अपने अवचेतन मन से क्रिएशन की थी। तो उसी तरह आपने भी जो चीज़ आपको चाहिए अपने अवचेतन मन में अपने उसी तरह का ड्रॉ कर लेना है कि ऐसे ऐसे होगा, तो वो आपका फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। आप अपने अवचेतन मन को अगर कोई भी, उसे जो भी आप कहते हैं तो वो आप उससे पूरा करवा सकते हैं, बस उसे जगाना है अपने। जिस दिन आपने जगा कर उसे प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप पाएंगे आपकी लाइफ में चमत्कार से भर गई है। इसे आपने करने के लिए क्या करना है, आपने जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आपने बिस्तर पे ही जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आप सुबह सुबह उसे फील करें, विजुलाइज करें कि वो आपको चीज़ मिल गई है और आप उस वस्तु का, उस चीज़ का, उस जो भी आपने इच्छा है वो आपको
पूरी हो गई है और वो आपको उसमें क्या क्या खुशी महसूस हो रही है वो फील करें, विजुलाइज करें। ऐसा ही आपने रात को भी करना है सोने से पहले। जब आप दोनों टाइम सुबह और रात को ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके जो सपने हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो पूरी होने लग जाएगी। तो उसके कोई ना कोई रास्ता आपके पास अपने आप निकल कर आएगा। तो दोस्तों, मैंने अलग अलग उदाहरणों के साथ आपको ये समझा दिया है ताकि आप उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रयोग में ला सकूं। अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका शीघ्र से शीघ्र आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आपने हमेशा पॉजिटिव वाक्य ही बोलने हैं, नेगेटिव वाक्य ना यूज़ करें। जो आपको लाइफ में चाहिए वही आप सोचें और वही आप करें, तो वही आपके लाइफ में वो घटित होगा, क्योंकि आपने उस बगीचे में जो बो दिया चेतन मन से वही अवचेतन मन से बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने दोस्तों मित्रों को भी ये जो वीडियोस है आप शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इस अपने सब कुछ माइंड को यूज़ कर जाएँ, प्रयोग कर पाएँ, तो अपने भाई बहन मित्रों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद।